ओके क्लास, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ. क्वेश्चन नंबर थ्री हम सॉल्व कर चुके हैं. सो क्वेश्चन नंबर फोर है, इफ ए इज इक्वल टू दिस सेट देन बी इज इक्वल टू दिस सेट, फाइंड ए यूनियन बी. ए सेट में आपके पास तीन एलिमेंट है, 3, 6 एंड 9. बी सेट आपका एम्प्टी है. बी सेट में क्लास जो ये सिंबल आपको नजर आ रहा है ये एम्प्टी सेट का सिंबल है, और इसको आप नल सेट भी कहते हो जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, जो एम्प्टी होता है. अब हम चलते हैं इस पे यूनियन कॉम्पिटिशन परफॉर्म करते हैं. ए यूनियन बी ये आपने फाइंड करना है. आप क्या करोगे, ए की जगह ए का सेट लिखोगे 9, ब्रैकेट क्लोज. देन आप यूनियन का सिंबल यहां पे लिखोगे, बी की जगह बी का सेट. बी का सेट कौन सा क्लास, ये वाला एम्प्टी सेट, ब्रैकेट क्लोज. अब यूनियन में क्लास क्या किया जाता है, दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिलाकर लिखा जाता है, स्मॉल से लार्ज की तरफ एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखा जाता है. बट इस सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं है, बी सेट एम्प्टी है, तो आप क्या करोगे, ए सेट के सारे एलिमेंट्स को लिखोगे इधर, क्योंकि यूनियन में ऑल एलिमेंट्स को लिखा जाता है. एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखना, तो क्लास सबसे स्मॉल एलिमेंट कौन सा है तीनों में से, 3 लिखोगे. 3 के बाद कौन सा है, 6 लिखोगे. देन 9. इन ब्रैकेट क्लोज. सो क्लास ये है आपका थर्ड सेट. सो क्लास यूनियन ऑफ एनी सेट विद द एम्प्टी सेट इज अ सेट इटसेल्फ. यानी कि आप किसी भी सेट के साथ जब एम्प्टी सेट का यूनियन परफॉर्म करते हो तो आपके पास क्या आंसर आता है, वो ही सेट जिसके साथ आप एम्प्टी सेट का यूनियन परफॉर्म कर रहे हो.